जब कॉन्क्लेव का पहला दिन था तो आदित्य ठाकरे बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये अलीबाबा और 40 चोर टाइप की सिचुएशन है। उन्होंने चैलेंज किया कॉन्क्लेव के मन से कि अगर बीजेपी और इस नकली सेना में दम है तो ये एमएलए इस्तीफा दें, चुनाव करवाएं और महाराष्ट्र के लोग दूध का दूध पानी का पानी करें। आप तो हमारे साथ चुनकर आए थे, अलायंस में चुनकर आए थे, और हमको छोड़कर आप एनसीपी और कांग्रेस के साथ गए, तो उस समय आपको ये याद क्यों नहीं आया? उस समय आपने इस्तीफा देना चाहिए था, चुनाव फेस करना चाहिए था और उनके साथ चुनकर आना चाहिए था। ये तो जो हमारे साथ आए हुए हैं 40 लोग, ये तो हमारे अलायंस में चुनकर आए, सो दे आर इनटू नेचुरल अलायंस, वो नेचुरल अलायंस में वापस आए। तो ये जो अभी अकल सूझ रही है, ये अकल उस समय अगर सूझती थी तो वैलिड थी। आप कम से कम, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी की भी बात हुई है, कम से कम बीजेपी के दो बड़े नेता आज ये वादा कर सकते हैं कि अब महाराष्ट्र में जो हमने 2019 में देखा, जो 2022 में हमने देखा, उस तरीके की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फैसला नहीं करना पड़ेगा। शिंदे फडणवीस सरकार उसी तरीके से चलती रहेगी, कहीं बीच में फडणवीस पवार, कहीं कांग्रेस के कई नेताओं का नाम लिया जा रहा है, इससे भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है। क्या उस तरीके की कोई चीज अब पूरी तरीके से बंद, कोई दरवाजे सारे बंद, क्या ये वादा हम लेकर चले महाराष्ट्र की जनता के लिए? आप सर, आप जवाब, इससे पहले हर सवाल में फटाफट जवाब आ रहा था, अब आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, जवाब कौन देगा पहले? कैसा है, देखिए पीयूष जी ये राज्यसभा में हमारे नेता है, आप स्टेट के सवाल उनको पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने दो मिनट ध्यान दिया कि भाई पीयूष जी दे रहे हैं या मैं दे दूं। सर महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं ना वो, हाँ वो राज्यसभा में, उनको पूरा महाराष्ट्र मालूम है, फिर कोई 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 सवाल ही नहीं है। लेकिन मैं आपको आपको बहुत स्पष्टता के साथ कह देना चाहता हूं कि इंस्टेबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता, ये बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट है, हम तो साथ में रहेंगे ही। अब किसी को अगर ये इच्छा होती है कि हमारे साथ आना चाहते हैं, वो हमको कहते हैं हमको साथ में आना है, अगर लोग ठीक है तो राजनीति में मना तो नहीं किया जा सकता ना, दरवाजे खुले, आप मत आइए, दरवाजे तो राजनीति में बंद नहीं रहते, दरवाजे खुले, लेकिन कॉम्बिनेशन बदलने का कोई सवाल नहीं। कॉम्बिनेशन ये बाला साहेबांची शिवसेना और बीजेपी, ये कॉम्बिनेशन रहेगा। हाँ, इस कॉम्बिनेशन के साथ कोई और लोग जुड़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मोदी जी देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसलिए हमको जुड़ना है, तो ऐसे सबका स्वागत हम करेंगे।